शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो, पैसों का अगर इंतजाम हो गया तो सरकार दो हमारे पास। कितने? इसमें तो सिर्फ 20 लाख हैं। विनोद अंकल को फोन पे बात करते हुए सुना था। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आशी तो कर सकती है ना। कल आशी लो इस कमरे की, चलो। ओ माय गॉड माँ, पैसों की जरूरत थी ना तुम्हें? लो पैसे। बाबा, हमने सही में कोई चोरी नहीं की। इस चोरनी से हम अपने सिद्ध लल्ला की शादी नहीं करेंगे। पी, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। ऐसे नहीं, अकेले में। इट्स ओके सिड, गीत भी फैमिली है। पर मेरी फैमिली नहीं है, अकेले में भी। इट्स ओके भी, तुम लोग बात कर लो, मैं भी आती हूँ। ऐसा क्यों किया भी? मैंने क्या किया? आशी ने मुझे बाबा के रूम से पैसे चुराते हुए देख लिया था और मेरा काम अटक गया। मुझे ऑनलाइन मेकअप कोर्स करना था, तो बस मैंने गुस्से में सॉरी आशी दिया। आप बाबा से पैसे मांग लेते ना? मांगे थे पर उन्होंने दिए ही नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रोना बंद कीजिए। आपको पता है ना, हमें इस घर में कोई रोए बिल्कुल नहीं पसंद है। I'm sorry. मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि तुम्हें थोड़ी सी डांट पड़े। ती, आपको आशी से इतनी नफरत क्यों है? नफरत नहीं है सिर्फ, मेरे लिए तो आशी और निधि दोनों एक जैसे। अब मैं बदल गई हूँ, मैं पहले जैसी नहीं रही, विश्वास करो। अच्छा ठीक, अभी अब बस बंद कीजिए रोना। अब मैं देखती हूँ तुम दोनों के बीच में कौन आता है। विद्दी चलना, भाई चलो, मेहंदी में नाम लिखाना बाकी है, जल्दी चलो। चल। स्टूपिड मैं नहीं, स्टूपिड तो तुम हो आशी। नफरत नहीं, बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ मैं तुमसे। आय हाय, बड़ा प्यार आ रहा था आशी पर। कभी कभी दिल में नफरत हो ना तो भी जुबान पे प्यार दिखाना पड़ता है। सिट को पता चल गया था कि पैसे मैंने चुरा कर आशी के रूम में रखे, लेकिन मैंने भी कम एक्टिंग नहीं करी। उन दोनों का हाथ तो एक दूसरे के हाथ में दे दिया, लेकिन साथ नहीं जुड़ने दूंगी मैं। सिट की शादी आशी से तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो तुम सिट की शादी किसके साथ होने दोगी भी? तुमसे। विद्या रानी, तुम्हें लगता है कि तुम हो बड़ी कूल, पर एक्चुअली में तुम हो लड़की स्टूपिड फूल। कितनी आसानी से मेरी शीशी में उतर गई तुम। पर मेरा नाम भी गीत है, मैं तुम लोगों की शीशी में नहीं उतरने वाली। तुझे आती तो है ना मेहंदी लगानी, हाथ खराब तो नहीं कर देगी मेरा? सिन भाई, हम भले ही ऐसे गिरते पड़ते रहते हैं, बट हम ना कलाकार है, कलाकार। ओए 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 ओए, क्या बात है। अच्छे से सेठ भाई, इतनी सुंदर मेहंदी, हम अच्छा बनाएंगे। दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, नजर न लगे। बड़े पैसे लुटाए जा रहे हैं, थोड़े से हम पे भी नुछार कर दो। ज्यादा नहीं, बस 50 लाख। और अगर नहीं दिए ना तो आपके इस राम सीता जैसे बहू बेटे का हम कुछ कर देंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, हम आ रहे हैं पैसे लेके, अभी आते हैं। नहीं
पूरे 50 लाख है। आराम, अब सेत और हमारी आशी की जिंदगी से दफा हो जाओ। जाओ यहां से। आज तो हमें दफा कर रहे हो, आएगा एक दिन जब हमारा हाथ थाम के हमें इस घर में लाओगे आप। सियाराम, अब हमारी बच्ची को हमेशा खुश रखना। बाबा आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटा, सब ठीक है। चलो अब मेहंदी की रस्म पूरी हो गई। अब लल्ला आशी तुम दोनों सुन लो, कल तक ना तुम लोग एक दूसरे से मिलोगे, ना एक दूसरे का चेहरा देखोगे, ना इस घर से कहीं बाहर जाओगे। लेकिन दादी अब... चुप कर, जो बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है ना? दीदी 2 मिनट देना। बाबा आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तू कुछ ज्यादा ही सोचती है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, हम बहुत खुश हैं क्योंकि तेरी जिंदगी फिर से सवरने जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। मेहंदी देखिए हमारी। हाँ बोलो। मेरे बारे में ही सोच रही थी ना। ना, हम क्यों सोचे तुम्हारे बारे में? क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। नहीं तो आशी प्लीज ना यार, अब बोल भी दो कि प्यार है मुझसे। नहीं, अब जो बोलना होगा वो शादी के बाद बोलेंगे। चुप करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी ने मना किया था ना, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। और मुझे सुनना है। क्या? I love you. सिट जाओ ना। पहले कहो कि मुझसे प्यार है। हम तुमसे वो कहेंगे जो तुम जानते नहीं हो। हमारी किस्मत ने बचपन में ही हमारा साथ जोड़ दिया था। काकी माँ चाहती थी कि हम इस रिश्ते को दिल से निभाएं। मरने से पहले हमारी माँ भी चाहती थी, उनका अरमान था कि हम इस रिश्ते को जिए। सबकी खुशी थी ये रिश्ता, इसलिए हमारे लिए ये रिश्ता प्यार से भी बढ़कर है। एक बार को तो ना पापा भी उम्मीद खो चुके थे तुम कभी वापस। पर काकी माँ ने कभी वो विश्वास टूटने नहीं दिया। हाँ कभी कभी हमसे नाराज हो जाती हैं, पर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम यहां नहीं थे। मगर अब देखो तुम यहां आ गए हो क्योंकि हमारा साथ लिखा हुआ है। मुझे प्यार इतना करो ना मुझे प्यार। तुम अगर चाहते हो तो हम कह देते हैं। आई
लव सिट, तुम प्लीज जाओ यहां से, किसी ने देख लिया ना तो दादी बहुत गुस्सा करेंगी। ठीक है, आज तो जा रहा हूं लेकिन कल से तो सेम ही रूम में रहना है, तब तो सुन के रहूंगा। किसके मैसेजेस थे? यहां से जाने को कहे थे ना, फिर वापस क्यों आई? अब बात नहीं मानी तो सजा तो देनी होगी। अब हम तुम्हारी सच्चाई सबको बता देंगे। तो बता दो, डरती नहीं हो तुमसे? और अब ये अनजान खिलाड़ी बनके खेल खेलना बंद करो। जानती हूँ कि तुम कौन हो, गुंदन। तुम्हारा पर्दा फाश हो गया है तो अब तुम मुझसे डरो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि टिम्पी को प्लान करने वाले तुम ही हो। देख लो, सारे सबूत भी हैं मेरे पास। जब तुम और टिम्पी सिड और आशी के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, तो अब तुम मुझसे डरो। एक वार्निंग दे रही हूं, मुझसे दूर रहो वरना। रामू देखो, वो फूल और लगेंगे, ऑर्डर दे दिया है ना तुम्हें? हाँ चलो दो इसे, जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो, डेकोरेशन करो ना, अभी तक वो पंडित जी आने वाले होंगे, मेहमान आने वाले होंगे, कुछ नहीं हुआ है अब तक का। खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताड़ रहे हो, जाओ। निधि 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 कहाँ गई इतने जी? जल्दी जल्दी करो, अब गहने दिए थे ना तुम्हें, हमने हमारे कमरे में रखे, आशी को देने के लिए दिए कि नहीं? वो भूल गए माँ। भूल गए? कोई काम है जो भूल से सही करती हो? तो जाओ अभी अभी। पता नहीं क्या खाके पैदा किया था इस लड़की को। हे भगवान, अरे देख क्या रहे हो, उठा लो ना, देख घर चला कर। बाबा बाबा, आपने कहा था मेरा नया वाला शो कलेक्शन आ जाएगा, आया ही नहीं अभी तक। नहीं वो क्या है बेटे, विद्या इधर। अरे वहां से ठीक करो ना। चुप कर, अपनी ये बकेती अपनी अम्मा के सामने बकाकर हमरे सामने नहीं। ये आशी के लिए हमारी तरफ से तोहफे है, जाके देख। मैं नहीं जाऊंगी, आप निधि को भेज दो। मैया रे मैया, तू भी ना अपने अम्मा की तरह ही नकारी है। अरे निधि काम करिए, इसलिए हमने तुमको बोला है। बेटा कभी कभी बड़ों की बात भी सुन लिया कर, समझी? जी दादी, जी दादी। ले क्या हुआ विद्या? ये कैसे? हे भगवान, उठो 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 बेटा, कैसे लगे ये, गिरी कैसे? विद्या दी क्या हुआ? कोई तुम्हारे कमरे में जाते था, मैंने पूछा कौन है, तो उसने धक्का मार दिया। क्या, किस तरफ गया? उस तरफ, उस खिड़की की तरफ। आशी कौन आ रहा है? बेटा जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। हाँ, जाओ जल्दी जल्दी जाओ। उठ, आ जाओ, उठा उसे, उठा उठ बेटा, शाबाश। फोटोज कैसे खिंचाऊंगी, घर में शादी और ये मेरा सर फूट गया, ऊपर से मेरे फैंस फॉलोअर्स। हाँ हाँ बेटा बेटा, देख हो जाएंगे एक बार, देख। ये आशी कहाँ रह गई? आशी, हे भगवान, काकी मैं ये हमें दो जल्दी।
बेटा कौन था? बाबा भाग गया। अरे चोर होगा कोई, शादी का घर देख के घुस गया होगा, और कोई नहीं। चोर नहीं अम्मा, कुंदन ही उसी का काम है। लेकिन अभी इसे ठीक कर देते हैं। कुछ नहीं होगा बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। हेलो, हमने तुम्हें पूरे पैसे दे दिए ना, फिर तुमने हमारी बेटी को चोट क्यों पहुंचाई? अरे अब तो हमारा पीछा छोड़ दो। एक बात का ध्यान रखना, अगर आइंदा तुमने हमारे घर में घुसने की कोशिश की, क्या हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे। सिया राम जी की कसम, सच कह रहे हैं हम। अब वो हमने सिक्योरिटी वालों से बात कर ली है, सब ठीक हो जाएगा। वो देख लेंगे कौन था। तुम लोग घबराओ मत, हैं? और तू इसको लेकर अंदर जा बेटा, जाओ। पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है, हम अभी परेशान, कुछ तो छिपा रहे हैं, और विधि पे ये वार कुछ तो है। राम जी अब कुछ गलत मत होने देना, सबकी रक्षा करना, बस ये शादी अच्छे से करा देना। हमारी सिट से शादी है, पर पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी हो रही है, जैसे क्या होने, कहीं सिट पे कोई मुसीबत तो। राम जी प्लीज हमारे सिट को हर मुसीबत से बचाना। जय श्री राम। अच्छा सुनो, मुझे लग रहा है कि मिठाई कम पड़ जाएगी, मैं काम करूँ ना, 8-10 किलो और भिजवा दो, ठीक है? अच्छा वो पनीर पनीर भी देख लेना, हाँ, और लेकिन जल्दी भिजवाना भाई, देर हो रही है। हाँ जल्दी। खुश रहो, खुश रहो। क्या बात है, बहुत हैंडसम लग रहे हो। दादी सुनो, आशीर्वाद लल्ला। संभल के निधि भाई। क्या कुछ बोलोगी नहीं, कैसा लग रहा हूं? तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, और ये तो तुम पर बहुत सूट कर रहा है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। अभी आया। मुझे ऐसा क्यों लगा यहां कोई था, यहां तो कोई नहीं है। ये छुरी, मतलब सच में यहां कोई है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, यहां घर में कोई घुसा है, उस
उसने ब्लैक हुडी पहना है और उसके हाथ में ये छुरी थी। जाओ चेक करो अच्छे से। वेट, घर में बहुत मेहमान हैं, देखना कोई पैनिक ना हो। श्योर सर। गो फास्ट। कोई मिला? नहीं सर, अंदर तो कोई नहीं दिखा, लेकिन हमने सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया है और अब कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन अलर्ट रहना और यहाँ ना एक कनेक्टिंग रास्ता है ऊपर के लिए, उस पे सिक्योरिटी और ज्यादा रखना। ओके सर। दूल्हे को बुलाइए। जी। सिद्ध भाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सब आपका वेट कर रहे हैं। चलो। निधि, विद्या, जाओ आशी को नीचे लेकर आओ। दादी, जाने की क्या जरूरत है, यहीं से आवाज दे दो, वो खुद ही आ जाएगी। आशी, अरे दिमाग भाड़े पे लगा कर आई हो का? हाँ, समझ में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं? अरे वो दुल्हन है, जाओ जाकर लेकर आओ, जाओ। चलो विद्या दी। बहुत हंसी आ रही है ना, एक काम कर, तू जाकर लेकर आओ उसे। विद्या दी, आप क्यों नाराज हो रहे हो? सॉरी वी। चलिए ना, हम दोनों लेकर आते हैं अपनी भाभी को। आप खुश हो गए ना, मैंने वी बोल दिया आपको, फिर चलो। ठीक है, चल चल। अरे निधि सुन, वो ऊपर से आते आते ना हल्दी की डिब्बी लेकर आना। हाँ, पंडित जी मांग रहे। और हाँ, वो ढक्कन उसका थोड़ा सा ढीला है तो संभाल के लाना, ले आओगी ना? हाँ माँ, डोंट वरी। और गिरना मत। हाँ बाबा, डोंट वरी। यूं तो शादी में मेहंदी रंग लाती है, पर आज इस शादी में हल्दी रंग लाएगी, और ऐसी रंग लाएगी कि आशी देखती रह जाएगी। कितनी मेहनत की है हमने, और तब जाके इस खेल का ये क्लाइमेक्स आया। आई विश सब वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। सब वैसा ही होगा, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखो प्लीज, सबको जाने दो, हमारी आज शादी है। बस ये आखिरी फेरा है, फेरों की विधि संपन्न हो जाएगी।